मैं बालाकोट अयूब ब्रिज पर मौजूद हूँ। दरिया का बहाव शदीद ज़्यादा इस वक्त तेज़ हो चुका है। जैसा कि ये बताया जा रहा था कि मनूर वैली से एक रेला निकल आया है और वो रेला इस वक्त आ चुका है और दरिया कितना ज़्यादा तेज़ हो चुका है। सामने होटल में पानी घुस चुका है। अब बालाकोट पुल के साथ जो होटल था उसके दरमियान तक पानी जाने वाला है और इसी तरह सैलाब का दोनों साइड से इंतहाई खतरनाक हो चुका है और बड़े बड़े पत्थर इस वक्त दरियाए कन्हार में आ रहे हैं। इंतहाई खतरनाक इस वक्त दरिया और पुल से पुल पूरा अयूब ब्रिज जो है वो हिल रहे। बड़ी बड़ी लकड़ और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो इस वक्त दरियाए कन्हार में, और जो जिस रेले की बात की जा रही थी वो रेला अभी यहाँ पर पहुँचता जा रहा है और उस रेले में बड़ी लकड़ और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इससे पहले तो मुझे एक भाई ने मनूर वैली से कॉल करके बताया कि मनूर बेला में तकरीबन 8 से 9 गाड़ियाँ जो कि दरियाए कन्हार की नज़र हुई हैं, उसके अलावा 10 से 12 दुकानें, करोड़ों रुपए की मालियत की दुकानें जो कि दरियाए कन्हार की नज़र हुई हैं। और उसके बाद जो एक और बड़ा नुकसान हुआ है, एक होटल जो कि दरिया की नज़र हुआ है, उसके अलावा 12 से 13 आदमी के बारे में, पहले तो 10 आदमी का बताया जा रहा था लेकिन अभी 12 से 13 आदमी जो कि दरियाए कन्हार की नज़र हुए हैं। असंगर से जो लाश दरियाए जो एक खातून की लाश दरियाए खातून दरियाए कन्हार की नज़र हुई थी उसकी लाश बिसिया के मकाम से पकड़ ली गई थी, लेकिन उसके अलावा 8 से 9 लाशें जो कि दरियाए कन्हार की नज़र हुई थी उनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। इंशाल्लाह सुबह तक शायद वो लाशें भी मिल जाएंगी। और गढ़ी हबीबुल्ला से जो हमें अपडेट मिली है, गढ़ी हबीबुल्ला से दरियाए कन्हार का पानी भी गढ़ी पुल को छूते हुए आज जा रहा है और गढ़ी पुल तक पानी पहुंच चुका है। और बालाकोट अयूब ब्रिज से भी हालात इंतहाई असाजगार हैं और अभी जो दूसरा रेला था वो यहाँ पर पहुँचे हैं जिसमें बड़े बड़े पत्थर इस वक्त यहाँ पर आए हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस है मानसरा की, जनाब मुदस्सर ज़िया साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब पुल इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि इसके नीचे से बड़े बड़े पत्थर और लकड़ गुजर रही है जिस वजह से पुल के गिरने का ख़तरा है। तो इस वजह से यहाँ की जो पुलिस है, जनाब मुदस्सर ज़िया साहब जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ट्रैफिक को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोक दिया है और इनका ये कहना है कि अब जब तक दरिया का पानी कम नहीं हो जाता तो हम यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी छोड़ेंगे, उसके अलावा इस रोड पर ट्रैफिक, वो उनका कहना है कि हम नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने पुलिस की जो गाड़ी है ट्रैफिक की, वो यहाँ पर खड़ी है और उन्होंने यहाँ से ट्रैफिक को रोका हुआ है। लेकिन दरिया इस वक्त आप देख सकते हैं जी, अंधेरे की वजह से मैं आपको मुकम्मल उस तरह तो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इस वक्त जो दरिया के हालात हैं, दरिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। थोड़ी देर के लिए दरिया कम हुआ था लेकिन अभी दरिया इंतहाई ज़्यादा तेज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। इसमें बड़े बड़े पत्थर आना स्टार्ट हो चुके हैं और मुख्तलिफ जगह से हमें यह खबर मिल रही है कि कई ज़्यादा लाशें, अभी सुबह जाकर पुलिस से हम मुकम्मल अपडेट लेंगे कि कितने आदमी दरियाए कन्हार की नज़र हुए हैं इस सैलाब में। और बताया जा रहा है कि रात के वक्त और ज़्यादा सैलाब आएगा, रात के वक्त और ज़्यादा ख़तरा है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हम पर अपना खास करम करें और हमें इस मुश्किल से निकाले। ये एक मुश्किल की घड़ी है, अल्लाह पाक का इम्तिहान है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल की घड़ी से, इस इम्तिहान से निकाले। और जो लोग नाज़रीन दरियाए कन्हार के इर्द गिर्द रहते थे, पुलिस की जानिब से उनके मकानात भी खाली करवा दिए गए हैं और जो खेमा बस्ती के लोग थे उनको भी यहाँ से उनके घरों से शिफ्ट कर दिया गया है और उनके जो खेमे हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खाली कर दिए गए हैं क्योंकि जो मनूर बेला का मकाम है वहाँ से 8-9 अफराद जो कि खानाबदोश थे वो इस दरिया की नज़र हो गए फ्लड से। तो इसलिए लोगों को शदीद जानी नुकसान है, जिस वजह से जानी नुकसान से के बचाव के लिए लोगों के जो दरियाए कन्हार के करीब इर्द गिर्द घर हैं वो भी खाली करवाए जा रहे हैं। और इस वक्त बालाकोट का ये जो सामने आप पुल के साथ जो होटल इस वक्त आप देख रहे हैं, इस पुल से तमाम जितना भी अंदर सामान था, कुर्सियां थी, टेबलें थी, जितना भी नुकसान था वो यहाँ से इंतजामिया ने खाली करवा दें कि अल्लाह ना करे अगर कोई ख़तरनाक हादसा हो जाता है या दरिया और ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो उसमें इसको खाली किया जाए। और जो एम्बुलेंसेज हैं आप देख सकते हैं, गुलाम हसन ट्रस्ट की एम्बुलेंस अभी एक और यहाँ पर पहुँची है, एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर लाकर इमरजेंसी के लिए खड़ी की हैं। और NHA के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो भी इस वक्त मुदस्सर ज़िया साहब के साथ बिल्कुल ये मेरे सामने खड़े हैं और वो उनका भी यही कहना है कि हम हर दम यहाँ पर तैयार खड़े हैं, हमारी NHA की मशीनरी भी यहाँ पर तैयार है, जैसे ही कोई हादसा होता है जहाँ से हम कल से इंशाल्लाह रोड को आज़ाद करने की भी कोशिश करेंगे कल से रोड आज़ाद हो जाए। जगह जगह से पुल टूटने की वजह से रास्ते जहाँ से बंद हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जो इंचार्ज हैं मानसरा से, जनाब मुदस्सर ज़िया साहब,
इस वक्त बालाकोट में पहुंचे हैं और बालाकोट अयूब ब्रिज पर उन्होंने जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर रोकी हुई है और एम्बुलेंस यहां पर हर किस्म की इमरजेंसी के लिए खड़ी है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 12 से 13 जाने जो कि मुकम्मल मुझे एक कंफर्म रिपोर्ट मिली है जिसके मुताबिक 12 से 13 लोग कागान वैली के इस खतरनाक सैलाब की नज़र हुए हैं। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि 18-19 अफराद का बता रहे हैं, लेकिन 18-19 का भी कंफर्म मेरे पास नहीं अपडेट आई है, लेकिन 12 से 13 अफराद की कंफर्म अपडेट है जो कि दरियाए कन्हार की लाशें इंशाल्लाह निकालने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। लेकिन दरिया का बाव नाज़रीन अगर मैं बताऊं तो इस वक्त और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है और पुलिस भी अभी साइड पर थी, उन्होंने मुझे भी कहा कि जल्द अज़ जल्द अपनी कवरेज करके आप भी साइड पर आ जाएँ, क्योंकि पुल के नीचे से बड़े बड़े जो पत्थर हैं दरिया में आ रहे हैं उनसे पुल गिरने का भी खतरा है। अल्लाह ना करे कि हमें इस हादसे से दोचार होना पड़े, लेकिन आते वक्त का कुछ भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि जो सैलाबी रेला है ये बताया जा रहा है पेशे से मनूर वैली से, जो कि 2 घंटे तक सैलाबी रेला वहाँ पर बंद रहा है, क्योंकि दुकानों का मलबा, फिर 8 गाड़ियाँ नाजिन, उसमें एक कोस्टर भी थी वो भी आ गई और जिस वजह से पानी वहाँ पर जाम हो चुका था, लेकिन अचानक एकदम से तेज़ पानी आने की वजह से वो रोड खुला है और जो दूसरा पानी का रेला था वो दरियाए कन्हार की तरफ आ गया है, जिस वजह से दरियाए कन्हार का जो रेला बंद था वो भी अभी आ गया और काफ़ी नुकसान का ये बताया जा रहा है कि मांडरी बाज़ार के बारे में ये बताया जा रहा है कि मांडरी बाज़ार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मांडरी बाज़ार से अभी कोई दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर 7 से 8 दुकानें दरियाए कन्हार की नज़र हुई हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपये की मालियत का लोगों का नुकसान हुआ है और इस नुकसान से बालाकोट को बचाने के लिए इंतज़ामिया यहाँ पर खड़ी है और इंतज़ामिया का ये कहना है हम लोगों को बचाएंगे। बालाकोट अयूब ब्रिज के बिल्कुल बाईं जानिब पुलिस यहाँ से गई है, मेरे सामने SHO साहब ने यहाँ से, काजी माजिद साहब ने यहाँ से पुलिस को भेजा है और पुलिस को ये बोला है कि ये सामने जो खेमा बस्तियाँ हैं इनको बिल्कुल खाली करवा दें, क्योंकि किसी भी वक्त सैलाब का पानी और पानी का बहुत तेज़ हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि कोई